हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आई। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कोर्ट से नई अपडेट आई है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एनसीटी की तरफ से कौन सी नई अपडेट आई वो भी आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और रिव्यू पिटीशन क्या है, रिव्यू पिटीशन पर एक नई खुशखबरी निकल के आई, सारी चीज़ें देखो आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अगर आपको फिर से याचिका देनी है, फिर से याचिका लगानी है, तो आप लोग डबल बेंच से याचिका लगा सकते हो। डबल बेंच से याचिका लगाने की बात यहाँ पे कही गई है। दूसरी चीज़, एनसीटी की तरफ से क्या अपडेट है वो आपको बताने वाले हैं। एनसीटी की तरफ से ये कहा गया है, फिलहाल कल नोटिस दी गई थी एनसीटी की तरफ से, उसमें ये साफ साफ फिलहाल ये नहीं कहा गया कि बीएड शामिल है कि नहीं शामिल है। इन्होंने क्या है कि एनसीटी ने गजट दिखाया पुराना और 2018 गजट नहीं दिखाया है। फिलहाल एनसीटी की तरफ से कोई ये अभी साफ साफ निर्णय नहीं दिया गया कि बीएड बाहर है कि शामिल है। और रिव्यू पिटीशन पर बड़ी अपडेट आई है, रिव्यू पिटीशन पर ये कहा गया है कि 11 सितंबर से पहले पहले रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं, अन्यथा फिर आपका रिव्यू पिटीशन नहीं माना जाएगा, नहीं लगा सकते हो, ठीक है। रिव्यू पिटीशन 11 सितंबर से पहले दे सकते हो। भर्ती पर रोक, कौन सी भर्ती पर क्या है आप लोगों को बताने वाले। छत्तीसगढ़ कोर्ट से आप लोगों की अपडेट आई है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से अपडेट दी गई है कि बीएड वालों को अभी पूरी तरह से प्राथमिक से बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीएड वाले बीएचएससी भर्ती पेपर दिए थे और किसी का रिजल्ट आना था या सिलेक्शन होना था, जिसके चलते अभी भर्ती पर फिलहाल रोक लगाया गया। छत्तीसगढ़ कोर्ट से केवल अपडेट है। फिलहाल बीएड छात्रों के लिए महाधन प्रदर्शन 5 सितंबर को काफ़ी मात्रा में है और अध्यादेश की लगातार मांग करेंगे जिसमें, तो फिलहाल आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। 5 सितंबर को महाधरना प्रदर्शन भी है, आपको मैं लाइव वीडियो दिखाऊंगा, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।